हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बॉलीवुड से लेकर देखे टीवी पर अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरने वाली अंकिता लोखंडे इन दिनों देखिए काफी ज्यादा मीडिया की सुर्खियों में। हाल ही में देखिए खबरें आई थी कि अंकिता लोखंडे की तबीयत खराब है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के पति यानी विकी जैन के साथ एक फोटो भी उनकी वायरल हुई थी। वहीं अब अंकिता को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई है। सुनने में भी आ रहा है कि एक्ट्रेस ने बॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्म मेकर करण जौहर का ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद से ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में हंगामा मच गया है। बॉलीवुड में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिन्हें करण जौहर के बैनर तले काम करने का मौका मिला था। बड़े से बड़ा स्टार करण जौहर की फिल्म में काम करना चाहता है, लेकिन खबरों के माने तो अंकिता लोखंडे ने करण जौहर का एक बड़ा ऑफर ठुकरा दिया है। मीडिया के गलियारों में ऐसा कहा जा रहा है कि करण जौहर ने अंकिता लोखंडे को स्टोरी 3 यानी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 के लिए अप्रोच किया था। खबरों में आ रहा है कि करण जौहर ने अंकिता को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 के लिए अप्रोच किया था। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक्ट्रेस को फिल्म में बेहद ही खास रोल ऑफर किया गया, लेकिन अंकिता ने इस रोल को करने से साफ इनकार कर दिया। अब रिपोर्ट्स में देखिए ये भी बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस से जुड़े एक सूत्र ने जो खुलासा किया है कि अंकिता को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 के लिए संपर्क किया गया और मैं उस भूमिका के बारे में निश्चित नहीं हूं जो उन्हें ऑफर की गई थी, लेकिन उनसे ये जरूर पूछा गया था कि क्या वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन सकती हैं। हालांकि देखिए उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और कोई भी उनके फैसले के पीछे का कारण नहीं जानता। अब देखिए इस तरह की खबरों पर अंकिता लोखंडे का रिएक्शन भी सामने आ गया है। दरअसल अंकिता की टीम ने इन खबरों को पूरी तरह से फेक बताया है। एक्ट्रेस की टीम ने खुलासा किया है कि अंकिता को किसी भी तरह का कोई भी ऑफर इस वक्त ऐसा नहीं आया है, सिर्फ ये बेकार की अफवाहें फैलाई जा रही है। मतलब साफ हो गया है कि अंकिता को करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 के लिए अप्रोच नहीं किया गया है। वैसे अंकिता लोखंडे के साथ ऐसा ही कुछ नागिन 7 को लेकर भी हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ऐसा कहा जा रहा था कि एकता कपूर ने अंकिता को नागिन सीजन 7 के लिए अप्रोच किया है। हालांकि बाद में अंकिता ने इस तरह की खबरों पर चुप्पी तोड़ते हुए खुलासा किया कि उन्हें नागिन सीजन 7 का ऑफर नहीं आया। बात करें करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर की, तो देखिए फिल्म का पहला पार्ट साल 2012 में रिलीज हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें आलिया, वरुण और सिद्धार्थ मल्होत्रा मेन रोल में थे। ये फिल्म देखिए बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और फिर इसके बाद देखिए 2019 में फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ जिसमें पुनीत मल्होत्रा ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में देखिए टाइगर श्रॉफ, अनन्या पांडे और तारा सुतारिया ये लोग दिखाई दिए थे। हालांकि देखिए ये फिल्म पहले पार्ट की तरह उतनी ज्यादा नहीं चल पाई थी। अब जाकर करण जौहर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 सीजन 3 आप कह सकते हैं इसे लेकर आए हैं, लेकिन अब इसे फिल्म के तौर पर नहीं बल्कि एक वेब सीरीज के तौर पर करण जौहर बनाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में अनिल कपूर की भतीजी शनाया कपूर मेन रोल में नजर आएंगी। वहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि शनाया के साथ इस सीरीज में इब्राहिम अली खान भी अहम रोल में नजर आ सकते हैं। वैसे देखिए आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर सीजन 3 को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, क्योंकि इसकी बैक टू बैक दो फिल्में आई और अब ये सीजन में आ रहा है, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा जरूर।